ये जस्ट फ्रंट में आप देखिए हॉस्टल में फैसिलिटीज़ क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आप बात करते हैं हॉस्टल के पास में जो शॉपिंग मॉल वगैरह भी जिस फ्रंट में हमारे इधर है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज ऑल्सो कॉमन रूम। कॉमन रूम और ये कॉमन रूम है, यहाँ पर आप जो भी म्यूजिकल एक्टिविटी है उसको परफॉर्म आप कर सकते हैं। आप आके यहाँ पर अगर आपको कोई मूवी वगैरह देखनी है, कोई प्रोग्राम देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ छोटा सा स्टडी रूम भी बना हुआ है, तो यहाँ पर एक मिनी लाइब्रेरी है, तो यहाँ के आप स्टडी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर आके कुछ चीज़ डिस्कस करनी है आपस में स्टडी से रिलेटेड, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। ये बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट की डिज़ाइन किया गया हुआ है। और ये हॉस्टल का रूम है, यहाँ आपका 3 सीटर भी रूम है, 1, 2 एंड 3। 3 आपको कवर्स मिलती है, 1, 2 एंड 3। इसके अलावा यहाँ पर आप 2 सीटर रूम भी ऑप्ट कर सकते हैं, 1 एंड 2। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, प्राइस सेम है। और यहाँ ब्लॉक सिस्टम होता है और हर रूम के साथ एक आपको टॉयलेट मिलता है। ये वॉश बेसिन है। ये आप कॉरिडोर देख रहे हैं हॉस्टल का। और यहाँ आपने चीज़ देखी कि यहाँ पर आपको 3 सीटर भी रूम है और आपका 2 सीटर भी रूम है। जो आपको ऑप्ट करना है आप ऑप्ट कर सकते हैं, प्राइस सेम है, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट नहीं करना पड़ता है। और हॉस्टल के जस्ट फ्रंट में आपका ये सुपरमार्केट है। और हॉस्टल से हार्डली देख रहे हैं मात्र 200 मीटर दूरी पे है, मतलब आपको रोड क्रॉस करनी है। आपको जो भी परचेज़ करना है, वेजिटेबल्स वगैरह है या फिर डेली यूज की ग्रोसरी वगैरह है, उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। और जैसे आप बाहर से व्यू देखते हैं तो आपको लगता है कि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, लेकिन नहीं है। एक्चुअली क्या है रशिया की जितनी भी बिल्डिंग्स है उसका इंफ्रा जो है इसको क्योंकि जो स्नोफॉल होता है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। लेकिन जैसे आप देखते हैं, आप एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद आपको कितना वेल क्लीन एंड वेल मेंटेन इन टर्म्स ऑफ, अगर हम सफाई की बात करते हैं तो इधर आप यहाँ से अब चीज़ समझ सकते हैं। ये आपका किचन है, कितना क्लीन है, कितना साफ है, एरिया कितना क्लीन है, कहीं भी आपको कोई भी गंदा पड़ा नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ करना क्या है कि खाना बनाइए, बनाने को उसको साफ करना होता है, अच्छे से करना होगा। घर में आप रहते हैं सेम आपको यहाँ का ऐसा नहीं कि खाना बनाया, बर्तन आपने छोड़ दिए, आधा खाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपने खाना बनाया अपना, साफ कर दीजिए, दूसरा बच्चा यूज़ करेगा, क्योंकि हम घर में तो ऐसे भी रहते हैं। तो ये आपका कॉरिडोर है हॉस्टल का, तो आप देख सकते हैं कितना सफाई है, कितना अच्छा है, कितना शांत है। और चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है, हॉस्टल में फैसिलिटीज ही मिले, एक लाइट एसी होना चाहिए, एक वेल फर्निश्ड आपका रूम होना चाहिए, इसके अलावा आपका वहाँ पर सिक्योरिटी होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो हॉस्टल हो वो शांत हो, जिससे कि कोई एक्स्ट्रा आपको नॉइस ना मिले स्टडी के लिए। तो ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स में स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, अगर आप यूरोपियन सिटी की बात करते हैं तो पेट्रोजावोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी। और ये आप जो रूम देख रहे हैं, वैकेंट एरिया देख रहे हैं, क्यों लर्निंग रूम है और इसको एक लाइब्रेरी रूम में एक डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि जो हॉस्टल में फ्लोर नंबर 5, 6, 7, 8 जो 4 फ्लोर हैं ये स्पेशली रिजर्व है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 2021 के लिए, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर। और ये आप जो रूम देख रहे हैं, वैकेंट एरिया देख रहे हैं, क्यों लर्निंग रूम है और इसको एक लाइब्रेरी रूम में एक डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि जो हॉस्टल में फ्लोर नंबर 5, 6, 7, 8 जो 4 फ्लोर हैं ये स्पेशली रिजर्व है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 2021 के लिए, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर उन्हें फिक्स करते हैं, क्योंकि इंडियंस को यहाँ पर इसलिए एक अलग इम्पोर्टेंस मिले, क्योंकि मोस्टली जो इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी करेंगे या कर भी रहे हैं वो 99% बच्चे इंडियन से हैं। और हॉस्टल के जस्ट फ्रंट में आप ये देख रहे हैं पुनेगा लेक है, ये आप देख रहे हैं, जस्ट देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लेक भी मिलता है और ये हॉस्टल का एक्चुअली फ्रंट व्यू है जो आप लेक भी देख रहे हैं पुनेगा का। और हॉस्टल के जो बैकेंड व्यू है तो यहाँ पर आपको जो सुपरमार्केट है, मॉल है, थिएटर्स है, ये आपको मिल जाता है जो सामने आप देख रहे हैं। तो आपने देखा कि पूरा जो कैंपस है सेंट्रलाइज आपका हॉस्टल है, सेफ्टी बहुत अच्छी है। जैसे आप एंट्री करते हैं तो ऐसे आपको जो सिक्योरिटी चेक होते हैं फुलफिल करना होता है। और ये है हॉस्टल के केयर टेकर्स, गार्डन है। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए MBBS डायरेक्ट। थैंक यू। फिक्स करते हैं क्योंकि इंडियंस को यहाँ पर इसलिए एक अलग इंपॉर्टेंस मिल रही है क्योंकि मोस्टली जो इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी करेंगे या कर भी रहे हैं वो 99% बच्चे इंडियंस ही हैं। और हॉस्टल के जस्ट फ्रंट में आप व्यू देख रहे हैं, पुनेगा लेक है, ये आप देख रहे हैं। जस्ट देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लेक भी मिलता है और ये हॉस्टल का एक्चुअली फ्रंट व्यू है जो आप लेक भी देख रहे हैं पुनेगा का। और हॉस्टल के जो बैकेंड व्यू है तो यहाँ पर आपको जो सुपरमार्केट है, मॉल है, थिएटर्स है, ये आपको मिल जाता है जो सामने आप देख रहे हैं। तो आपने देखा कि पूरा जो कैंपस है सेंट्रलाइज आपका हॉस्टल है, सेफ्टी बहुत अच्छी है। जैसे आप एंट्री करते हैं तो ऐसे आपको जो सिक्योरिटी चेक होते हैं वो फुलफिल करना होता है। और ये है हॉस्टल के केयर टेकर्स, गार्डन है। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए MBBS डायरेक्ट। थैंक यू।